खास खबर के प्रस्तुत करता है पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा, और पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद MDH बिरयानी मसाला, असली मसाले सच सच MDH। ऊर्जा मंत्री ने किया शल्य चिकित्सा शिविर का शुभारंभ, सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया यह शिविर का आयोजन। अग्निपथ योजना में अग्निवीर भर्ती को लेकर निकाली जाएगी रैली, 11 से 24 सितंबर तक निकाली जाएगी भर्ती रैली। भर्ती रैली को लेकर निपुण जिंदल ने दी जानकारी, कहा 25,000 से अधिक युवाओं ने करवाया पंजीकरण। अपने समर्थकों सहित भूख हड़ताल पर बैठेंगे विधायक रामलाल, सीएम जयराम ठाकुर के ऑफिस के बाहर किया जाएगा प्रदर्शन, पहले मां नैना देवी के दरबार में दिया जाएगा सांकेतिक धरना। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल और मैं हूं आपके साथ मुस्कान हुसैन। शुरुआत करते हैं फटाफट की फटाफट अंदाज में। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने बीते दिन पौड़ा साहिब के सिविल अस्पताल परिसर में बहु विशेषज्ञ शल्य चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि प्रदेश के दूर दराज क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से ऐसे शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और आकाश हॉस्पिटल के सौजन्य से डॉक्टरों द्वारा यह चिकित्सा शिविर लगाया गया है, जिसके लिए सुखराम चौधरी ने उनकी टीम का भी धन्यवाद किया है। उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने भर्ती रैली को लेकर दी जानकारी, कहा कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में अग्निपथ योजना में अग्निवीर भर्ती के लिए 11 से 24 सितंबर तक रैली निकाली जाएगी। उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि भर्ती रैली के लिए तैयारियां आरंभ कर दी गई हैं और उपमंडल अधिकारी पालमपुर को भी रैली के लिए आवश्यक प्रबंध करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। कांगड़ा और चंबा जिले के युवाओं के लिए 5 जुलाई से वेबसाइट पर पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ की गई है और अब तक 25,000 से अधिक युवाओं ने पंजीकरण करवाया है। हिमाचल पात्र युवा जिन्होंने कक्षा 8वीं, 10वीं व 12वीं पास की है और जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1999 से अप्रैल 2005 के बीच हुआ है, वे इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। धर्मशाला के रहने वाले पेंटिंग आर्टिस्ट मुकेश थापा ने एक बार फिर से धर्मशाला को देश प्रदेश और विदेश में अपने आर्ट के जरिए नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। इस युवा पेंटर मुकेश थापा ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत की ओर से पूरी दुनिया में बेहतरीन 75 फाइनलिस्ट में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है। ये प्रतियोगिता संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने रिचेसन 75 इंटरनेशनल आर्ट कंपटीशन के बैनर तले आयोजित की गई थी, जिसमें दुनिया के सबसे बेस्ट आर्टिस्टों को फाइनल सूची में चयनित किया जाता है।
वहीं मुकेश थापा का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में फाइनल में पहुंचना ही मेरे लिए और मेरे देश के लिए गर्व की बात है। चंबा जिला का खलोक गांव पीडब्ल्यूडी विभाग और सरकार की अनदेखी का शिकार हो रहा है। गांव में बार बार लैंडस्लाइड होने से गांव वालों का जीना दुश्वार हो गया है। गांव वालों ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी की थी। उसके बाद विभाग के कुछ लोग आए थे और गांव वालों को आश्वासन दिया था कि यहां जल्द इस समस्या का समाधान करवाया जाएगा। आज सुबह फिर लैंडस्लाइड होने के कारण बड़े बड़े पत्थर घरों पर गिरे, जिससे गांव में 3 घरों को नुकसान हुआ है। हालांकि गांव वालों ने गांव से भागकर अपनी जान बचाई है। लोगों ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि जल्द सरकार इस पर कोई कदम उठाए ताकि उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े। श्रीनैना देवी पहुंचे पूर्व मंत्री व विधायक रामलाल ठाकुर ने बताया है कि वे जल्द प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ऑफिस के बाहर अपने समर्थकों सहित भूख हड़ताल कर धरना प्रदर्शन करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया है कि वह मंदिर न्यास की लूटपाट को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ऑफिस के बाहर अपने समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे और पहले सांकेतिक धरना माता श्रीनैना देवी के दरबार में दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि श्रीनैना देवी में कई महीनों से मंदिर अधिकारी की तैनाती ना होना, मंदिर क्षेत्र में सफाई की अर्थव्यवस्था सहित कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। बिलासपुर जिला के कसोल गांव में बनने वाला पुल लेंगड़ी 6 साल बीत जाने के बाद भी नहीं बन पाया है। इस पुल का शिलान्यास 7 दिसंबर 2016 को पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के द्वारा किया गया था। इस पुल पर 1,14,00,000 रुपए खर्च किए जाने की बात कही थी, लेकिन पुल का निर्माण कार्य शुरू होने के साथ नींव बनने तक ही सीमित रह गया है। बरसात के मौसम में जल स्तर के बढ़ने के कारण पानी का बहाव पुल की नींवों की तरफ हो जाता है और साथ लगती ग्रामीणों की जमीन बह जाती है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व मंत्री व कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के पशुपालन विभाग में घोटाले के आरोप लगाते हुए मंत्री वीरेंद्र कंवर को हिमाचल प्रदेश का लालू प्रसाद यादव करार दिया है। रामलाल ठाकुर ने आरोप लगाया है कि एम्स के निर्माण में बिलासपुर के कोठीपुरा फार्म बंद करना पड़ा, लेकिन मंत्री ने फार्म की गायों को अपने चहेते लोगों को थोक के भाव बेच डाला, जो कि एक बड़ा घोटाला साबित हुआ। बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव विवेक कुमार ने धराड़सानी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पीड़ित लोगों से मुलाकात की, बताया कि फोल्डलाइन का कार्य चला हुआ है, जिसके लिए बड़ी बड़ी मशीनरी कार्य कर रही है। विवेक कुमार ने कहा है कि यदि इन लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने कोई उचित कदम नहीं उठाए तो कांग्रेस पार्टी द्वारा आंदोलन का रास्ता तैयार किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन व स्थानीय प्रशासन की होगी। पूर्व मंत्री और एक्स सर्विसमैन लीग के प्रदेश अध्यक्ष मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने अग्निपथ योजना को देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली योजना करार दिया है।
मनकोटिया ने कहा है कि योजना के तहत अग्निवीर बनने वाली युवा 4 साल बाद क्या करेंगे, सरकार को इसका जवाब देना होगा। अग्निपथ योजना से सरकार युवाओं की जिंदगी को बर्बाद ना करे, और इसके साथ ही मनकोटिया ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि अग्निपथ योजना पर पुनः विचार किया जाए, अन्यथा सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पंकज पंडित ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है और खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी लगाने का कड़ा विरोध किया। पंकज पंडित ने कहा है कि भाजपा राज्य में महंगाई चरम पर है और मोदी और जयराम सरकार गरीब विरोधी सरकार है। सरकार ने आटा, दाल, चावल, दूध पर जीएसटी 5% लगाकर गरीब की थाली पर प्रहार किया है। मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बड़सर उपमंडल के गांव में बाबा बालकनाथ मंदिर न्यास द्वारा भवन का उद्घाटन किया, जिसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस अतिरिक्त भवन में 100 पशुओं को रखने की व्यवस्था की जाएगी। मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं तथा इसके लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जहां भारत सरकार की ओर से कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो वहीं जल संरक्षण के लिए कैच द रेन कैंपेन के तहत पहल की गई है, जिसके तहत देश के हर जिला में कम से 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। इसी कड़ी में जिला कांगड़ा में जल संरक्षण हेतु जो विभिन्न विभागों द्वारा स्ट्रक्चर तैयार किए जाएंगे, उनकी इंस्पेक्शन के लिए केंद्रीय टीम 3 दिवसीय कांगड़ा दौरे पर पहुंची है। तीन दिवसीय दौरे उपरांत यह टीम जिला प्रशासन से बैठक करेगी और जिन स्ट्रक्चर को विजिट किया जाएगा उसके संबंध में रिपोर्ट लेकर केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज मंडी में पीएम स्वनिधि योजना पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। पहले उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विक्रमादित्य सिंह पार्टी में अपने व्हाट्सएप को बनाए रखने के लिए आए दिन अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि विक्रमादित्य सिंह ऐसा नेता नहीं जिस पर कोई प्रतिक्रिया दी जा सके, लेकिन 6 बार के सीएम रहे व्यक्ति के बेटे के मुंह से महिलाओं के लिए इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती। नाहन विधानसभा क्षेत्र के काला में बीते दिन विकास यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल की अगुवाई में शुरू हुई। हाल ही में कैबिनेट ने नाहन के कालाआम को उप तहसील बनाने की घोषणा की है, जिसके संदर्भ में इस यात्रा का आयोजन किया गया है। इस मौके पर डॉक्टर राजीव बिंदल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने इससे पूर्व इलाके में कोई विकास नहीं किया है, लेकिन भाजपा की सरकार आते ही आज क्षेत्र में कार्य हुआ है। प्रदेश में सरकार के द्वारा जारी 112 हेल्पलाइन के बारे में आमजन जागरूक हो सके, इसके लिए गुड़िया सक्षम बोर्ड के द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों की मदद ली जा रही है। पंचायत प्रतिनिधियों के अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इस हेल्पलाइन के बारे में जागरूक किया जाएगा, ताकि वह गांव-गांव जाकर इस हेल्पलाइन का प्रचार कर सके।
जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के जिला परिषद भवन में गुड़िया सक्षम बोर्ड की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बोर्ड के उपाध्यक्ष रूपा शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान उपाध्यक्ष रूपा शर्मा ने बैठक में बोर्ड के समीक्षा कार्यों के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। नाहन में आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गीता सिंह ने की। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल। नमस्कार।